एक अम्मा ने बेटा की शादी करी, बहू लेकर के घर में आई। बहू कैसी थी जानते हो? 24 घंटे फोन चलाना, अपने श्रृंगार में ही लगी रहती। कैसे मैं अच्छी देखूं, मैं क्या खाऊं, बस इसी में उसका टाइम लगा रहता था। अब एक दिन सास ने विचार किया, बहू तो किसी काम की नहीं, न काम करती न कुछ हेल्प करती, हमें भी कभी पूछती नहीं कि माँ आप काम कर रहे तो मैं भी थोड़ा सहयोग करूँ। भोजन भी नहीं बनाती, न घर की सफाई करती, न किसी का ध्यान रखती है। अब सास बेचारी परेशान हो गई और सास ने कहा कि अगर मैं भी भोजन ना बनाऊँ तो बेटा भूखा रह जाएगा, अगर मैं भोजन नहीं बनाऊँ तो उसको पता चलेगा कि उसकी पत्नी बिल्कुल काम नहीं करती। तो माँ जो थी कि टाइम में भोजन बना करके तैयार करके रख देती थी। और एक दिन बेटा ने देखा कि मेरी माँ रोज काम करती लेकिन पत्नी कुछ भी नहीं करती। माँ ही सुबह सुबह झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, फिर भोजन बनाए। और एक दिन बेटा ने कहा, माँ ऐसे नहीं चलेगा, आपकी बहू को समझाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, अगर ये इसी तरह करती रहेगी तो कैसे जीवन चलेगा। और बेटा गया, माँ को बोला कि माँ जब आप झाड़ू लगाओगी ना तो उस समय मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगा, फिर देखना सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब माँ गई झाड़ू लगाने लगी सुबह सुबह। बेटा आया, माँ आप मत करो, आप इतने वृद्ध हो चुके हो, लाओ मैं करता हूँ। अब बेटा ने झाड़ू लगाना शुरू किया। माँ बोली, बेटा तुझे शोभा नहीं देता, तू झाड़ू नहीं लगा सकता, ये तो घर की लक्ष्मी की काम होती, लाओ मैं लगाती हूँ। बेटा बोला, नहीं नहीं मैं लगाऊंगा। माँ बोली, नहीं मैं लगाऊंगी। थोड़ी देर बाद बहू आई, अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे, मुझे तो सिर में दर्द होने लगी, एक काम करो, एक दिन तुम लगाया करो और एक दिन ये लगाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। दोनों को एक एक दिन दे दिया। कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं लेकिन सब ऐसी नहीं होती। दिल्ली की बहुएं तो बहुत प्यारी होती है। प्यार से बोलो, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। लेकिन कहने का भाव है, आपके घर में जो बड़े हैं, जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही आपके सास ससुर हैं। आपसे बड़े हैं तो सम्मान करना आपका धर्म है और बड़ों का भी कर्तव्य यही है। आपसे छोटे हैं तो उनको सिखाओ, प्रेम करो, वो आपका धर्म है। सब कोई अपने अपने धर्म को सही रूप से पालन करे तो किसी के घर में लड़ाइयां नहीं होती, किसी के जीवन में परेशानी नहीं होती, किसी के यहां बना बनाया रिश्ता नहीं टूटता। जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो और जहां विश्वास हो, वहां रिश्ते रोज बहुत अच्छा अच्छा निर्माण होता है। प्यार से बोलो, अरे जोड़ से बोल दीजिए ना।